हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैरा और आप देख रहे हैं बूझो तो जाने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें बाइबल मुकद्दस के बहुत से किस्से भेजे हैं, जिन्हें मैं यहां बोर्ड पर ड्रॉ करूंगी और हम मिलकर बूझेंगे कि वो बाइबल का कौन सा किस्सा है। पर उससे पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको बूझना पसंद है। यकीनन आपको पसंद होगा, क्योंकि मुझे भी बूझना बहुत पसंद है। तो चलो हम अपनी पहली पर्ची निकालते हैं और देखते हैं कि वो बाइबल का कौन सा किस्सा है। दोस्तों, हम अपना पहला क्लू बनाते हैं। एक बादशाह। ये कौन सा बादशाह हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बाइबल में तो बहुत से बादशाहों का जिक्र है। तो ये जानने के लिए हम अपना दूसरा क्लू भी देखेंगे। एक फरिश्ता। दोस्तों, कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम तीसरा क्लू भी देखते हैं। एक जंजीरों से बंधा हुआ शख्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बूझ लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वो वाक्या है जब पत्रस कैद खाना में था और वो जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था। तो खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और वो गया और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मारकर उसे उठाया और उसे कहा, उठ जा। और उसी वक्त उसके हाथ से जंजीरें टूट गईं। चलो दोस्तों, अब हम अपनी दूसरी पर्ची निकालते हैं और देखते हैं कि वो बाइबल का कौन सा किस्सा है। पहला क्लू बनाते हैं। एक बादशाह। ये कौन सा बादशाह हो सकता है दोस्तों, कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो दूसरा क्लू भी देखते हैं। जेल में दो आदमी। दोस्तों, मैंने तो दूसरे क्लू से बूझ लिया। यकीन है कि आपने भी बूझ लिया होगा। अगर नहीं बूझा तो चलो मैं आपको बताती हूँ। ये पत्रस और यूहन्ना का किस्सा है, जब काहिन, हैकल के सरदार और सदूकियों ने पत्रस और यूहन्ना को कैद खाना में बंद कर दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मुनादी करते थे। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ऐ बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आप हम सबसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत करने का दर्स देना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, अगर आपका भी बाइबल मुकद्दस में कोई मनपसंद वाक्या है तो आप हमें दिए गए फेसबुक आईडी पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय।